अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में कि पोल्यूशन है क्या और कॉजेज कौन से हैं और पोल्यूशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं जो वो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है ना उसके सोर्सेज कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पोल्यूशन है क्या। शुरू से हम जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे या जब हम न्यूज़पेपर देखते थे तो हमारे हमें सिर्फ एक ही लफ्ज़ नज़र आता था, पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। पोल्यूशन है क्या चीज़? पोल्यूशन है कि एक ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज या अनवांटेड चेंज आपके एनवायरनमेंट में। कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज या अनवांटेड चेंज जो है आपके एनवायरनमेंट में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पोल्यूशन। जिसे आप ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स कंटेमिनेट द नेचुरल सराउंडिंग। पोल्यूशन होती कब है? जब पोल्यूटेंट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आपके जो है ना सराउंडिंग को इफेक्ट करते हैं या कंटेमिनेट करते हैं, तभी पोल्यूशन, तभी हमारे पास पोल्यूशन की डेफिनेशन होती है कि किस तरह से ये हमें इफेक्ट कर रहा है, ये कंटेमिनेट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस दैट अफेक्ट आवर नॉर्मल लाइफस्टाइल एडवर्सली। अब ये पोल्यूटेंट्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, या फिर हमारे पास जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास नॉक्सेज आ गई, तो इस तरह ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कंटेमिनेट जब करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, तो ये हमारे डेली जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर, जो नॉर्मल हमारा लाइफस्टाइल पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दूर असरात होते हैं इसके, जिसमें हमारी डेली की जो है ना वो लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। पोल्यूटेंट्स आर द की एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन विच आर जनरली वेस्ट मटेरियल ऑफ डिफरेंट फॉर्म। ये एक जो है ना पोल्यूशन के की एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, डिफरेंट फॉर्म के वेस्ट मटेरियल, जिसमें हमारे पास टेक्सटाइल वेस्ट है, हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, ये डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट हैं इसका जो मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स हमें उसके नतीजे में मिलते हैं जो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। पोल्यूशन डिस्टर्ब्स आर इकोसिस्टम एंड बैलेंस इन इन्वायरमेंट। पोल्यूशन जो है हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है, ठीक है, एंड बैलेंस इन इन्वायरमेंट। बैलेंस इन एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? कि एनवायरनमेंट का भी बैलेंस मेंटेन है। लाइक अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, जब जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं एयर में, तो वो एयर को कंटेमिनेट कर देती है। वो जो फ्रेश एयर हम ऑलरेडी ले रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की हेल्थ जो डिजीजेज हैं वो उसको हमें फेस करना पड़ जाता है। मॉडर्नाइजेशन और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई इन आवर लाइव्स, वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ती चली गई, और इसका एक इफेक्ट जो है ना हमारे सामने आता है ग्लोबल वार्मिंग या ह्यूमन इलनेस में। तो ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक बहुत बड़ा इशू है आज के दौर में, तो ये सारा कुछ जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन बढ़ती गई वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ती गई उसकी वजह से। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन सी हैं? वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें हमारे पास एयर वो है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एंड लाइट पोल्यूशन। इन एयर पोल्यूशन, वाटर और नॉइज पोल्यूशन को हम बाद में दूसरी जो हमारे जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जस्ट इनके थोड़े
थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। अब जो पोल्यूशन है, किसी भी फॉर्म की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, उसके अकरेंस के दो सोर्सेज हो सकते हैं। या तो उसका हो सकता है पॉइंट सोर्स, या हो सकता है नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज जो हैं वो हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं वो जो है ना हार्ड टू कंट्रोल हैं। पॉइंट सोर्सेज क्या है जी? रिलीज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम डिस्क्रीट कन्वीनियंस सच एज डिस्चार्ज पाइप आर रेगुलेटेड बाय फेडरल और स्टेट एजेंसीज। ये पॉइंट सोर्स क्या है कि हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी पोल्यूशन है। मीन्स अगर इंडस्ट्री से हमारे पास वेस्ट आ रहा है तो वो हम क्या करें कि डिस्चार्ज जो उसका है उसको वहाँ से हम जो पोल्यूटेंट्स लेंगे तो हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है और इसके बिना पर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं वो होंगे इस वाटर में या इस वेस्ट वाटर में या जो उसका वेस्ट आ रहा है उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं। द मेन सोर्सेज डिस्चार्ज आर फैक्ट्रीज एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स विच रिलीजेज अ वेस्ट वाटर। अब नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या हैं जी? ये नॉन पॉइंट सोर्स है, कम्बिनेशन है डिफरेंट पोल्यूटेंट्स का जो कि एक लार्जर एरिया पर मुश्तमिल होता है। मीन्स अगर जो है ना डिस्चार्ज पाइप है वो जो हमारे पास वो जो वेस्ट आ रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आ रहा है और वो डिफरेंट जो है ना हमारे पास वो नालों से गुजर के आ रहा है जिसमें वो नाला पार्क्स में से भी गुजरता है और जो है ना वो और लेक्स पार्किंग में से गुजरता है, गार्डन्स में से गुजरता है, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हमारे पास हैं उसमें से जब गुजरते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के हर जगह के अपने पोल्यूटेंट्स हैं। मीन्स कंस्ट्रक्शन साइट्स के अपने पोल्यूटेंट्स हैं तो वो भी उसके साथ मिल जाएंगे जिसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ये नहीं बता सकते कि ये कौन से टाइप की जो है पोल्यूटेंट्स हैं। तो दीज आर द नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। मेजर टाइप पोल्यूशन की फर्स्ट जो है एयर पोल्यूशन है, ये सबसे प्रोमिनेंट और डेंजरस टाइप है पोल्यूशन की। ये एक बहुत सारी वजूहात के बिना पर हो सकती है। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए, कुकिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ज़रूरी है वो फ्यूल ज़रूरी है। जब उसको हम बर्न करते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस इमिट होती हैं या तो वो हमारे जो है ना एयर इन्वायरमेंट को ख़राब करती है जिसमें स्मोक है चिमनीज़ का, फैक्ट्रीज का या व्हीकल्स और बर्निंग ऑफ वुड बेसिकली अकर ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। जैसे हमको कोल की वजह से, कोल जब हम बर्न करते हैं तो चिमनीज से जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज का है या गाड़ियों की वजह से जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो हमारे जो एयर का है को है वो कंटेमिनेट करता है। इसमें हमारे पास जो गैसेस रिलीज हो सकती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि हेजेडेरियस है गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग भी प्रोड्यूस करती है और इसे ड्रेन का भी बास बनती है। तो जब हम फ्यूल यूज़ करते हैं और इसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होता है तो ये स्मोक जो है ना फॉग के साथ मिलकर स्मोक बना देता है जो कि रिसेंट ईयर्स में आप देख रहे हैं कि हर साल हमारे पास जो है ना स्मोक का प्रॉब्लम आ रहा है। स्मोक बेसिकली है क्या? स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक प्लस फॉग को जब हम मिलाते हैं तो वो हमारे पास स्मोक बन जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारे हेल्थ इश्यूज ये सारा कुछ एयर पोल्यूशन की वजह से। वी ब्रीथ इन एवरी पोल्यूटेंट पार्टिकल फ्रॉम द एयर विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ इन एस्थमा एंड कैंसर इन लंग्स। हम ब्रीथ करते हैं इसको जिसकी वजह से हम जो है ना एस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर लंग्स कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से
चिमनीज जो ये लगी हुई है वो जो धुआं रिलीज कर रही है, जो स्मोक है यहाँ से ये निकलकर जब सर्दियाँ आती हैं तो ये फॉग पड़ती है, तो ये फॉग के साथ मिलकर स्मोक बनाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हैज टेकन टूल ऑफ ऑल सर्वाइविंग स्पीशीज ऑन अर्थ। जो हमारे पास अर्थ पे जो स्पीशीज हैं उसमें ऑलमोस्ट 60% जो स्पीशीज हैं वो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। बाकी तो ड्यू टू द सेवरल फैक्टर ये जो है ना हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो सकती है, जिसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वाटर बॉडीज़ में जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से जो है हमारे पास वाटर पोल्यूशन आ जाती है। आल्सो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT ऑन प्लांट्स पोल्यूट्स द ग्राउंड वाटर सिस्टम एंड ऑयल स्पिल्स इन द ओशन हैव कॉज्ड डैमेज टू द वाटर बॉडीज। जो हम स्प्रे करते हैं इंसेक्ट्स का या फिर पेस्टिसाइड्स के लिए या फिर प्लांट्स पे, तो ये हमारा जो है ये जाके ग्राउंड वाटर सिस्टम है जो उसको स्पॉइल करता है। उसको स्पॉइल करने के बाद ये जो है ना ये जब वाटर ओशन में जाता है तो वहाँ पे जो मेराइन लाइफ है उसको ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेराइन लाइफ खतरे में पड़ सकती है। वाटर पोल्यूशन नॉट ओनली हार्म्स द एक्वेटिक बीइंग बट इट आल्सो कंटेमिनेट्स द एंटायर फूड चेन बाय सेवरल अफेक्टिंग ह्यूमंस डिपेंडेंट ऑन दीज। उसकी ये सिर्फ एक्वेटिक लाइफ है जो उसको अफेक्ट नहीं करते वाटर पोल्यूशन, बल्कि इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन्स हैं, वाटर बॉर्न डिजीज हैं, ये भी वाटर पोल्यूशन की वजह से पैदा होती हैं। जब हम जो है ना इन सारे पोल्यूटेंट्स का मिला पानी पीते हैं तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो सिंध में जो हालात थे, सिंध के में जो हमारे पास जो इश्यूज आए हैं थार के इलाके में, कि वहाँ से लोग जहाँ से जानवर पानी पी रहे थे वहाँ से ही इंसान पानी पी रहे थे, तो उसकी वजह से उनमें डिफरेंट टाइप्स की जो है ना बीमारियां पैदा हो रही थी, जिसमें हमारे पास डायरिया था, डायरिया भी देखा, कॉलरा है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की बीमारियों की वजह से। और कुछ बीमारियां ऐसी थी जो उन्हें जिसकी वजह से वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का। सॉइल पोल्यूशन किस वजह से होती है? जब हम फर्टिलाइज़र सेक्टर है हमारा, जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, खादें वगैरह यूज़ करते हैं, या डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स जब हम यूज़ करते हैं अपनी ज़मीन के लिए ताकि उसको बेहतर से बेहतर उसकी प्रोडक्शन हो सके, तो वो क्या करते हैं कि हमारी ज़मीन जो है उसको मज़ीद उसकी जो है ना क्या कह सकते हैं हम उसे न्यूट्रिशन है जो उसको कम करना शुरू कर देता है, जो उसकी सरफेस है उसको सख्त करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बाय टाइम बीइंग उस फॉर द शॉर्टर पीरियड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन लेटर ऑन हमारे पास जो सॉइल है उसकी जो है उसकी ऊपर जो लेयर है अपर लेयर वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पैदावार जो है फसलों की पैदावार वो कम होना शुरू हो जाती है। नॉइज़ पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करती हैं डिफरेंट टाइम्स बीइंग्स में। जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से,
फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस ले सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है आपको। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नॉइज़ पोल्यूशन का है वो है हियरिंग का प्रॉब्लम। आपको इतनी आदत हो जाती है नॉइज़ की कि आप जब लो वॉइस होती है तो उसे आप सुन नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हियरिंग की। और ये होता किस वजह से है? मशीन्स इन इंडस्ट्रीज आर लाउड म्यूजिक भी आजकल जो हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं उसकी वजह से हमें हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। आपने कभी नोट किया हो तो ये, अगर आप लगातार हैंड फ्री के साथ हैंड फ्री लगा के रखें तो आफ्टर अ वीक और 10 to 12 days आप महसूस करेंगे कि आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती किसी की बात सुनने के लिए। ये अगर आप लगातार हैंड फ्री लगा के म्यूजिक सुनते हैं या मूवीज़ वगैरह देखते हैं या कुछ भी आप उस पर एक्टिविटी करते हैं तो ये सारी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये हाईली डेंजरस है, जब ये होती है तो इस हाईली डेंजरस। इसमें न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इसमें अगर न्यूक्लियर जो वेस्ट है हमारे पास डिस्पोजल, वो अगर उसे हमने सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो ये एक्सीडेंटल हो सकता है। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की हम अगर बात करें तो एक एग्जांपल कोट करते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने अटैक किया तो उसके बाद उनकी टोटली जो लाइफ थी वो नेक्स्ट 40 to 50 years वो किसी न किसी, जो भी जनरेशन आती गई वो किसी न किसी बीमारी का शिकार होती गई। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट कर सकता है आपकी लाइफ पे फॉर लॉन्गर पीरियड। और अगर जो बच जाते हैं, और अगर इससे बच जाते हैं कुछ, तो वो क्या है, उन्हें कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, या डिफेक्ट्स हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि जैपनीज के साथ हुआ लेटर ऑन। थर्मल और हीट पोल्यूशन, ये किस वजह से होती है जी? एक्सेसिव हीट इन द एनवायरनमेंट क्रिएटिंग अनवांटेड चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स। एयर पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्लांट्स की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे हैं। तो डे बाय डे हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो है ना डिजास्ट्रस क्लाइमेट चेंज भी हमें सामने आ रही है। और लास्ट है लाइट पोल्यूशन। ये कब होती है? जब एक्सेसिव एलुमिनेशन कर देते हैं, हम किसी भी एरिया को एक्सेसिव एलुमिनेट कर देते हैं, ज़्यादा रोशन कर देते हैं, तब हमारे जो है ना लाइट पोल्यूशन का ये सबब बनती है। ये अमूमन हम जो है ना बड़े शहरों में देख सकते हैं, जिस पे एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगे होते हैं, जिस पे डिफरेंट टाइप्स की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अगर आप जनरल किसी सिग्नल पे रुकते हैं तो सामने एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा होता है जिसकी डायरेक्ट लाइट आपकी आंखों में पड़ सकती है पड़ती है, और उसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है ना इनविजिबिलिटी समटाइम्स हो जाती है। जैसे डायरेक्ट लाइट, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपकी आंखों में डायरेक्ट लाइट पड़ती है, क्योंकि अगर सामने वाले ने लाइट जो है ना ब्राइट ज़्यादा ब्राइट की हुई है तो वो आपको जो है ना इनविजिबल हो जाती है सामने वाली चीज़, और एक्सीडेंट का बाइस बन सकती है। अब जो सीरियस इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन क्या है जी? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। अब जो इन्वायरमेंट इज फर्स्ट कैजुअली फॉर इन्वायरमेंट इज द फर्स्ट कैजुअलिटी फॉर द इंक्रीज इन द पोल्यूशन वेदर इन एयर और वाटर। इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा मुतासर होता है हमारा पोल्यूशन की वजह से, वो चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो।
जिस भी टाइप की पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट है ज़्यादा अफेक्ट होता है उससे। CO2 एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्मोक की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और जो है इसकी वजह से हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो जो है ना अफेक्ट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, ये हमारे पास एसिड रेन का बाइस बनते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल अफेक्ट, डिग्रेडेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर ह्यूमन हेल्थ पे हम देखें कि ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या असर है, तो वो डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ एयर, एयर की क्वालिटी जब बेहतर नहीं होगी तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास, जिसमें हमारे पास एस्थमा है, लंग्स है जो कि मैंने आपको, लंग्स कैंसर है जो कि पहले बताया, चेस्ट इन्फेक्शन होता है समटाइम्स, और समटाइम्स आपको जो है ना इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है आपकी, एयर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स की आपकी डिजीज हो सकती है, ठीक है। और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बाय पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, पर्टिकुलरली CO2 इसको तो ग्रीन हाउस गैस गैस इजाफा होता चला जा रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, न्यू व्हीकल्स आ रही हैं, जो प्लांटेशन है वो हमने कम कर दी है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है ना CO2 इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है और सी लेवल भी हमारे पास राइज कर रहा है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ओजोन लेयर इज द थिन शील्ड, एक थिन शील्ड है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर पहुंचने से पहले उसमें जो क्या कह सकते हैं उसे, तो उन्हें कंट्रोल कर लेती है, जो कि बहुत डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे जो ये टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है, और डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ हैं वो नहीं होती। आज अब जो हमारा इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो कम होता है। अब जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हमें आ रहे हैं वो क्या है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, उसका सबसे मेन कॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, जो कि एटमोसफेयर में जाते हैं और वो ओजोन लेयर डिप्लीशन का बायस बन रहे हैं। इनफर्टाइल लैंड, ये भी एक इश्यू है। हम कॉन्स्टेंटली जो है ना यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए, स्प्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स की फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारे केमिकल जो हमारी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है या वेस्ट जो हमें रिलीज कर रही है, वो जब ज़मीन के से गुजरता है तो उसकी जो क्वालिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है, वो जो है उस पर अफेक्ट पड़ता है, उस पर उसकी वजह से वो जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, ये मैंने PPT के फॉर्म में और ये आपको PDF की फॉर्म में भी दे दूंगा। एयर पोल्यूशन है, और फिर उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, जिसमें हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि पोल्यूशन है क्या चीज़, कोई भी अनवांटेड चेंज इन्वायरमेंट में अगर आता है तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। फिर हमने उसके डिफरेंट सोर्सेज देखे, दो सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्स है, फिर नॉन पॉइंट सोर्स है, फिर उसके फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, एयर पोल्यूशन है उसे हमने सिंपली दो चार लाइनों में डिस्क्राइब किया, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी हमने देखे। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जब हम इनको डिटेल में डिस्कस और लेक्चर में करेंगे, जो कि ऑब्वियसली ये हमारे इश्यूज हैं, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, तो इस पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इनके ह्यूमन हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।